दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में बीती रात को तेजस्वी प्रकाश, समिता शेट्टी और विशाल कोटियन मिलकर जय भानुशाली और प्रतीक सेजपाल का जमकर मजाक बनाते हुए दिखाई दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों विशाल कोटियन ने बताया था कि मैंने बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है जब एक ही टीम के दो कंटेस्टेंट एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। ये सुनकर दोस्तों समिता और तेजस्वी को काफी जोरदार हंसी आ गई। ऐसा दोस्तों विशाल ने इसलिए कहा क्योंकि बीते दिन जब टास्क शुरू हुआ था तो टास्क के दौरान जय भानुशाली ने प्रतीक को टास्क खेलने ही नहीं दिया और उसको हर तरीके से हराने की भरपूर कोशिश की। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस ने जय और प्रतीक को एक ही टीम का सदस्य यानी कि एक जोड़ी बनाया था और दोनों को मिलकर अपने लिए खेलना था, लेकिन इसके बावजूद जय भानुशाली ने प्रतीक सेजपाल को खेलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रतीक सेजपाल कल काफी अपसेट भी हो गए थे। और इन दोनों को देखते हुए घर के बाकी कंटेस्टेंट ने इन दोनों का जमकर मजाक बना दिया और इन्हीं दोनों को लेकर बीती रात को तेजस्वी ने समिता और विशाल के सामने इन दोनों का जमकर मजाक उड़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रतीक हमेशा टास्क के दौरान दूसरों को परेशान करता है, आज भगवान ने प्रतीक को ही सजा दे दी है और उसी का टीममेट यानी कि जय उसको खेलने नहीं दे रहा और उसको परेशान कर रहा है। ये सुनने के बाद में कहीं ना कहीं समिता और विशाल भी बुरी तरीके से हंसते हुए नजर आए। खैर दोस्तों जो कुछ भी हो, लेकिन आज देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज प्रतीक सेजपाल को जय भानुशाली टास्क खेलने देते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में घर के अंदर इन दोनों की ही चर्चा घर के बाकी कंटेस्टेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घर वाले भी चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि ये दोनों लड़ते रहेंगे और बाकी घर वालों को मुख्य घर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।